अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, यदि आप कतर में रहते हो और कतर के हम तरीन खबरों से हमेशा वाकिफ रहना चाहते हो तो ये वीडियो को बिना स्कोप का पूरा देखिए। चैनल पर नए हो या फिर पहली बार आया हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको हमेशा फ्री में दोस्तों मिलती रहे। तो साथियों, आज की वीडियो में दोस्तों सबसे पहली जो खबर आ रही है मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर से और ट्रैफिक डिपार्टमेंट की तरफ से आ रही है। तो ट्रैफिक डिपार्टमेंट की तरफ से कुछ गाइडलाइंस वगैरह जारी किए गए हैं दोस्तों। आप लोगों को जैसा कि पता होगा कि बारिश का मौसम स्टार्ट हो चुका है और बारिश के दौरान बहुत सारे एक्सीडेंट वगैरह आप लोगों को देखने को हर साल मिल जाता है। तो इसी को लेकर दोस्तों, वहां पे ड्राइविंग करते समय आपको किन बातों का ध्यान देना है वो ट्रैफिक डिपार्टमेंट की तरफ से कल के दिन एक गाइडलाइंस को इशू किया गया है। तो दोस्तों, गाइडलाइंस प्रकार का होगा कि आपको ड्राइव स्लोअर स्पीड, यानी दोस्तों ज्यादा आपको जब बारिश हो रहा है तो ज्यादा स्पीड आपको गाड़ी नहीं चलाना है। जो लाइन दिया हुआ रहता रोड में उस लाइन को मेंटेन करके चलना है और दो गाड़ियों के बीच में हमेशा गैप रखना है। ज्यादा दोस्तों सट के आपको नहीं चलना है और जगह जगह पे जहां पे ब्रेकर लगा हुआ वहां पे ब्रेकर का इस्तेमाल आपको जरूर करना है। और जो लाइट होता है दोस्तों, आपको पता होगा कि एक टर्निंग लाइट होता है या फिर पीछे की जो गाड़ी की लाइट होती है वो हमेशा बारिश के टाइम पे जला के रहना है ताकि दूर वाले को गाड़ी दिखाई दे सके। और वाइपर जो होता है शीशे का वाइपर, इसे हमेशा इस्तेमाल करना है। तो इससे दोस्तों क्या होगा कि एक्सीडेंट होने की संभावना कम हो जाएगी। अगली खबर की ओर साथियों चलते हैं। अगली खबर दोस्तों जो हमारी साथियों वो कतर के आमिर के तरफ से बहुत ही बड़ी खबर है। साथियों आप लोगों को पता होगा दोस्तों, जितने मुस्लिम संगठन जितने भी कंट्रियां हैं उनको दोस्तों आईएसओ कहा जाता है, इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है। तो उनमें से कतर के जो आमिर को दोस्तों सबसे टॉप, सबसे ताकतवर और सबसे इन्फ्लुएंशियल मुस्लिम का दोस्तों खिताब इस साल दिया गया है। यदि बात करें दोस्तों और टॉप लोगों तो सऊदी अरेबिया के किंग सलमान बिन अब्दुल अजीज साहब को भी दिया गया और ईरान के जो सुप्रीम लीडर है आयतुल्ला खमेनी उनको भी इसमें नाम में चुना गया है। तो लगभग दोस्तों 50 कंट्रियां इसमें पार्टिसिपेट करती हैं जिनमें से कतर के आमिर को पहले नंबर पर चुना गया है। अगली खबर की ओर साथियों चलते हैं। अगली खबर दोस्तों वैसे तो वो इंडिया से आ रही पर दोस्तों काफी ज्यादा चौंका देने वाली खबर, इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूं। साथियों खबर आ रही है इंडिया के मध्य प्रदेश से, एक डिस्ट्रिक्ट है वहां पे एक दोस्तों फैमिली को इंडिया के द्वारा दोस्तों इंडिया में जो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट होता है उनके तरफ से लगभग 3,419 करोड़ का बिजली बिल भेज दिया गया था। वो दोस्तों मकान मालिक का नाम था प्रियंका गुप्ता जो कि ग्वालियर के रहने वाले थे और ये सी विहार कॉलोनी की ये घटना है जिसके बाद दोस्तों वो बीमार पड़ गया और उसे हॉस्पिटलाइज होना पड़ा इतनी बड़ी शॉक सुनकर। मध्य प्रदेश गवर्नमेंट रन पावर के तरफ से दोस्तों ये फिर से ये चेक किया गया तो मालूम चला ये एक तरह का ह्यूमन एरर है और उसकी दोस्तों बिजली का जो बिल था वो मात्र 1300 रुपये था, उसे सुधार कर भेज दिया गया। अब चलते हैं साथियों अगली खबर की और जान लेते हैं अगली खबर कतर से क्या रही। दोस्तों मैं आपको बता दूं, यदि कोई भी मन में आपके सवालों को जानकारी चाहते हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप पूछ सकते हो। अब खबर की ओर चलते साथियों चलते हैं, खबर जान लेते हैं अगली खबर क्या आ रही है। अगली खबर दोस्तों जो आ रही साथियों वो आ रही है आमिरी गार्ड कमांडर जो है और पाकिस्तान की जो डिफेंस मिनिस्टर है उन दोनों के बीच में दोस्तों कल के दिन कतर में मुलाकात की गई। दोस्तों वहां के जो आमिरी कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल हाजा बिन खलील अल सवानी साहब है और पाकिस्तान के जो डिफेंस जो मिनिस्टर है इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान के सरजिल इफ्तिकार साहब, उन दोनों के बीच में कल के दिन मुलाकात हुई। मुलाकात के दौरान बहुत सारे मुद्दों पर अलग अलग साथियों अगली खबर की ओर चलते हैं, जान लेते हैं अगली खबर क्या आ रही है। तो दोस्तों अगली खबर दोस्तों जो आ रही है साथियों बता दूं आपको कि आप लोगों को पता होगा कि श्रीलंका के जो प्रेसिडेंट हैं वो छोड़ के भाग गए थे क्योंकि वहां पे इमरजेंसी लागू कर दिया गया। उनका नाम था राजपक्सा साहब। तो दोस्तों वो सिंगापुर में वो वहाँ पर रुके हुए थे तो उसकी टाइमिंग जो थी वो 14 दिनों के लिए थी, पर दोस्तों उसकी टाइमिंग खत्म हो गई। पर सिंगापुर गवर्नमेंट की तरफ से और भी उनके 14 दिन को दोस्तों वहाँ पर रुकने की वहाँ पर डेट को बढ़ा दिया गया, यानी 14 दिन वो वहाँ पर और भी रुक सकते हैं, कोई दिक्कत उनको नहीं होगी। अगली खबर की ओर साथियों चलते हैं। अगली खबर दोस्तों जो आ रही वो एनएचआरसी के तरफ से दोस्तों एक ट्रेनिंग कोर्स वहां पे ऑर्गेनाइज किया गया है। जितने भी हमद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे जितने भी वहां पे इंप्लॉय हैं वो सभी इसमें पार्टिसिपेट कर पाएंगे। तो ये 11 अगस्त को स्टार्ट हो जाएगा। जो भी इंप्लॉय वहां पे कतर में हमद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे काम करते हैं वो लोग वहां पे पार्टिसिपेट इसमें कर सकते हैं। एनएचआरसी कहा जाता है नेशनल ह्यूमन राइट कमेटी, तो इसके तरफ से दोस्तों ट्रेनिंग कोर्स का वहां पे ऑर्गेनाइजेशन किया गया। तो ये कुछ अपडेट्स थी, कुछ खबरें थी जो कि कतर से आ रही थी, मैंने अब तक शेयर किया। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी हो। वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि और भी लोगों को इसकी जानकारी हो सके। मिलते साथियों नेक्स्ट वीडियो पर। अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।